जबकि जब हर साल महंगाई बढ़ रही है, पेस्टिसाइड हर साल बढ़ रहे हैं, उनकी लागत बढ़ रही है, तो उनको जो है बैंकों को क्रेडिट कार्ड तक को मना कर दिया। अब इस स्थिति में यदि उनका भुगतान समय पर नहीं होगा तो बताओ वो किस तरह से अपना परिवार चलाएंगे। कि आवारा पशु इतने ज़्यादा हो गए गाँवों में कि खेत भी खाने लग रहे फसल, और रात किसान जो है रात को ठंड में पाले में जो है खेत में रहता है। खाद में 5 किलो इन्होंने काट दिया है, 45 किलो का कर दिया, उसमें भी सरकार ने चोरी कर ली है। भाई शादी है, बहुत सारे काम होते हैं, जो किसान की जेब में पैसा आएगा तो बाजार जाएगा, बाजार जाएगा तो भाई बाजार के लोग भी खुश होंगे। तो इसका निकाय चुनाव में मेरे हिसाब से भाजपा को घाटा रहेगा। गन्ने का भुगतान पिछले सीजन का भी ज़्यादातर सभी मिलों में रुका पड़ा। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं उस्मान चौधरी। हमारे साथ हैं आज मेरठ के किसान हैं, जहां पर हम उनसे पूछेंगे कि गन्ना जो भुगतान है उसकी क्या स्थिति है, गन्ने का रेट है उसकी क्या स्थिति है, और क्या अभी किसान के लिए सुनी जा रही हैं। अभी निकाय चुनाव भी होने को हैं और अभी फ़िलहाल बताया जा रहा है कि जो खतौली का चुनाव हुआ था उसके बाद में गन्ना भुगतान को लेकर के कहीं ना कहीं देरी हो रही है, और इसका असर निकाय चुनाव पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हमारे साथ ये मेरठ के किसान हैं, आप देख सकते हैं ये सभी आज कमिश्नरी चौराहे पे, जो कमिश्नरी पार्क है वहाँ पर आए हैं, और अभी कमिश्नर मेरठ कमिश्नर से ये मिलकर आए हैं, अपना ज्ञापन दिया है इन्होंने गन्ना भुगतान को लेकर के और गन्ने की जो प्राइस जो मूल्य है उसको लेकर के। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप चौधरी। प्रदीप जी, गन्ने के भुगतान की क्या स्थिति है? गन्ने का भुगतान पिछले सीजन का भी ज़्यादातर सभी मिलों में रुका पड़ा, और सबसे बड़ी परेशानी भुगतान से भी बड़ी ये है कि जो मौजूदा जो गन्ने का मूल्य है सरकार ने निर्धारित कर रखा, उसमें किसान को एक पैसा बच नहीं रहा। खाद महंगी है, दवाई महंगी है, दुनिया भर की बीमारी गन्ने में आने लगी, और इसमें पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा, तो लागत तो सारी ख़त्म हो जा किसान की, उसकी मजदूरी भी नहीं लिगड़ गा रही। तो हमारा तो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन है, यही अनुरोध है कि आप इसी सत्र में जो है इसका गन्ने का मूल्य कम से कम 450 रुपये से ऊपर करें, ताकि उसे किसान की जो आर्थिक स्थिति बिल्कुल टूट गई तो वो कम से कम सुधरे, और वो भी अपनी दिनचर्या में शामिल रहे। एक तो समस्या और हमने रखी है कमिश्नर साहब के यहाँ कि आवारा पशु इतने ज़्यादा हो गए गाँवों में कि खेत भी खाने लग रहे फसल, और रात किसान जो है रात को ठंड में पाले में जो है खेत में रहता है, और अपना काम हिल्ला जो दिन में कर ले वो भी उसका छुट रहा, तो कई तरह की मजबूरी हो रही किसान की, और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तमाम मंत्री ज़िले में जो है दौरा करते हैं लेकिन किसानों के बीच तक नहीं पहुँच पाते, वह नेता पार्टी के घेरे रखे हैं और वही जो बता दें उन्हें वो उनकी सुन लें, लेकिन जो किसान संगठन है या किसान जो गांव का है उससे जाके बात करें, सीधा गांव में दौरा करें, तो पता चले क्या बचत हो रही है किसान को, उसके बच्चों की पढ़ाई तक नहीं हो पा रही, उसे एक पैसा नहीं बच रहा। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहे, चुनाव तो आने लग रहे, और वैसे मोदी जी ने तो वादा भी करा था 450 से ज़्यादा का गन्ना मूल्य की बात करी थी, 10 साल होने वाले उस बात को भी, तो इन्हें बढ़ाना चाहिए मूल्य। अगर ये भी ना बढ़ा पाए तो फिर किस पे उम्मीद रखेगा किसान? किसान तो सरकार को लेकर आया था इसे, तो ये ही कहना मेरा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवचंद है जी। क्या स्थिति है गन्ना भुगतान को लेकर के, और कितनी परेशानियां आ रही हैं किसान को? किसान को बहुत परेशानी है कि अभी तक बच्चों के फीस तक नहीं जा रही है, और हम मतलब अभी तक इसमें क्या इसका कॉलोनी मिल में पिछले साल का भी पेमेंट रुका हुआ है हमारा, अभी तक अभी पिछले साल का रुका हुआ है, नवंबर दिसंबर का पेमेंट नहीं दिया। सरकार तो कह रही है कि लगातार गन्ना भुगतान किया जा रहा है। नहीं कह रही, कह जाओ जी एक वादे वादे हैं, और कोई नहीं रही है, कोई बात नहीं हो रही पूरी। कहते हाँ देंगे देंगे, पांडवनगर भी गए थे हम, वहाँ भी कहा था तुम्हारे भुगतान करवाएंगे, कोई भुगतान नहीं हमारा कोई भी। कितने दिन हो गए आपको चक्कर काट? हमें करीबन पांडवनगर में 4-5 बजे जा चुके हैं हम, वहाँ पब्लिक को लेकर के कोई नहीं, हाँ करेंगे करेंगे यही है। अब करोनी मिल पर धरना भी दिया जा करके, फिर भी कोई नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? महिपाल यादव। महिपाल जी, क्या हालात हैं गन्ने के भुगतान को लेकर के, और जो निकाय चुनाव आ रहे हैं क्या इस पे गन्ने के भुगतान का मुद्दा रहेगा, क्या किसान निकाय चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए अभी 40% पैसा मिलों पे किसानों का रह रहा है, जब किसान की जेब में पैसा नहीं होगा तो बाजारों में भी रौनक नहीं होगी। भाई शादी है,
बहुत सारे काम होते हैं जो किसान के जेब में पैसा आएगा तो बाजार जाएगा, बाजार जाएगा तो भाई बाजार के लोग भी खुश होंगे। तो इसका निकाय चुनाव में मेरे हिसाब से भाजपा को घाटा रहेगा पेमेंट को रोकना, क्योंकि वायदे अनुसार पेमेंट नहीं कर पा रही सरकार। नई फसल आ गई है, ये भी गन्ना कह रहे हैं अभी पिछली 40% बकाया बच रहा है, तो इसमें सरकार को घाटा ही रहेगा। निकाय चुनाव में जो रहेगा वो सरकार को घाटा रहेगा यदि पेमेंट समय से नहीं हो पा रहा है, तो बाज़ार में भी रौनक नहीं रहेगी और किसान परेशान है। शादियों का सीज़न चल रहा है, कोई अपने बेटे की शादी कर रहा है, कोई बेटी की शादी कर रहा है, साहूकारों के कर्जे में दबता जा रहा है किसान। किसान की मतलब रीढ़ टूट रही है बिल्कुल जो है उस पर, और लागत मूल्य इतना बढ़ गया। पहली बात तो फसल में कुछ नहीं बच रहा, जैसे कि आज ज्ञापन दिया हम लोगों ने तो उसमें 450 का मूल्य तो होना ही चाहिए, उससे ऊपर कर दे तो सरकार की अच्छी बात है, परंतु 450 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य होना चाहिए। क्यों, बिना दवाइयों के आजकल खेती नहीं हो रही। खाद में 5 किलो इन्होंने काट दिया है, 45 किलो का कर दिया, उसमें भी सरकार ने चोरी कर ली है। तो इस तरीके से बहुत सारी लागत बढ़ गई, किसान की बहुत सारी समस्याएं हैं। ऊपर से मीटर लगाए जा रहे हैं, अकबर कितने घंटे ट्वेल चल रही है उसके हिसाब से लेंगे, जबकि इन्होंने मना कर दिया था और किसान इसके बिल्कुल विरोध में है। अकबर कितने घंटे ट्वेल चली कितना नहीं है, क्योंकि मीटर वो तेज गति से चलेंगे और उसमें किसान एक काम बढ़ जाएगा, बिजली घरों का चक्कर लगाएगा, कार्यालयों का चक्कर लगाएगा, जी मेरा बिल ज़्यादा आगा जी, जब हम पूरे टाइम का बिल दे रहे हैं फ्लैट रेट से, तय होगा, सरकार ने एक तय कर दिया तो उसमें क्या जरूरत थी। बहुत दिनों से चला था ये मामला। आपका क्या नाम है? देवेंद्र सिंह नाम है। देवेंद्र जी, क्या क्या समस्याएं हैं? कुछ सरकार कह रही है कि हम भुगतान लगातार दे रहे हैं। अजय सब कहना है, कहना सिर्फ, बिल्कुल नहीं कर रहे कोई भुगतान, लगभग समझे जी। और दूसरी बात यह है कि जब तक लोग जो है समझ रहे हैं इस बात को कि भाई ये तो जो है सरकारी गलत है, गंदी है, इस बात पक्की बात है, लोग समझ गए इस बात को, जो सरकार जो है एकदम गंदी गलत, और जो है किसान जो है सब कुछ आवे करना लेकिन हो तो नहीं रहा कुछ भी, इसलिए जो है इनको बदलना बेहद ज़रूरी है ये काम न तो। ठीक है, हम आपका क्या नाम है? शीशपाल सिंह। शीशपाल जी, क्या क्या समस्याएँ हैं किसानों की और क्या किस तरीके से किसान उसको फेस कर रहा है? पहला तो जो गन्ने का भुगतान है वो सही दिशा में नहीं है, कम हो रहा है। दूसरा, पशु से और बंदरों से किसान और पूरा पब्लिक इतना परेशान है कि बिल्कुल हर गांव को, इलाके को तबाह कर रखा है उन्होंने। और जो अभी बताया कि बिजली की तो इतना बिल हो गया है और बिजली के ऊपर ट्वेलों के ऊपर मीटर लगाने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए फिर बिजली करके चक्कर काटने पड़ेंगे। और अभी गन्ने का जो भुगतान रुका हुआ है वो पिछला नहीं है। सरकार तो कह रही है लगातार भुगतान दे रहे हैं किसानों के लिए, हम आय दुगनी कर दी गई है, किसानों के लिए फायदे हो रहे हैं। हाँ, कागजों में है लेकिन ग्राउंड में जो धरातल पे कोई चीज़ नहीं है। धरातल पे इसको जो भी सरकार है उसको ये इसका खाजियामा भुगतना पड़ेगा। कोई भी, ये बीजेपी नहीं, कोई भी सरकार है मौजूदा, अगर जैसे भी नगर पालिका चुनाव हो रहा है इसमें भी इसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्या नगर पालिका चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मेन वोटर है किसान ही है, किसान के ही वोट डालने का अधिकार है, किसान ही उल्टी पलटी करेगा सरकार को, उसका तो चुनाव में देखने को मिलेगा आपको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी, गन्ना भुगतान की समस्या है, छूटा पशु जो होते हैं उनकी समस्या है, बिजली की समस्या, क्या क्या समस्याएं हैं? और सरकार लगातार कह रही है कि हम किसानों की लिए काम कर रहे हैं, भुगतान दे रहे हैं और बहुत सारी व्यवस्था की है, आय दुगनी हो रही है। सर, सरकार बोल रही है लेकिन सरकार को मालूम कहाँ है, जो आम जनता है वही तो बताएगी। अब देखो, समस्या इतनी सारी है, सबसे मेन है, देखो बताया कि गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा। गन्ने का भुगतान नहीं होगा तो लोग अगली फसल के लिए खाद बीज या इनकी सबकी व्यवस्था कैसे करेगा, क्योंकि उस पर तो आय का कोई साधन है नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके तो आय का साधन वही है। उसके बाद में आवारा पशुओं ने इतना ज़्यादा नुकसान मचा रखा कि कम से कम 40% फसल को नष्ट कर देते हैं, जिनको पहले तो ये चला था कि गाय बछड़े को आदमी रोकता था, आप पहले आपका गाय बछड़े का तो कोई यूज रहा नहीं, अब वो खेतों में घूमते रहते हैं और एक
गवर्नमेंट ने ऐसा डर का माहौल क्रिएट कर दिया है कि गाय को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि हाथ लगाएगा कोई बांधेगा तो उसमें वो क्या, तो इसको सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, सरकार को सर्वे करना चाहिए। भाई साहब ने पहले बताया बंदर इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई है, उसे जो है नेशनल पार्कों में या कहीं ऐसी जगह उनको भेजना चाहिए कि उनको भी नुकसान ना हो, उनसे वे घायल हो रहे हैं, उनका उपचार का साधन नहीं है, गाय तड़प तड़प पे रोड पे मर रही हैं और किसानों को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि फसल हो ही नहीं पा रही है, फसल का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और उसके बाद में आजकल पेस्टिसाइड वालों ने लगा था, अभी तो एक और बात सुनने में आई है, बैंक में हम गए थे, जो किसान को क्रेडिट कार्ड मिलता है उसको हर बार जैसे महंगाई बढ़ती थी तो 10% इंक्रीज कर देते, अभी बैंकों ने मना कर दिया, साफ बोला किसान को कोई भी चीज़ जो है लागत बढ़ नहीं रही है, वो बोला कि जो है लागत बढ़ नहीं रही है, लागत उतनी लग रही है जितनी पहले 10 साल पहले लगी करती थी, क्या ये संभव है? जबकि जब हर साल महंगाई बढ़ रही है, पेस्टिसाइड हर साल बढ़ रहे हैं, उनकी लागत बढ़ रही है, तो उनको जो है बैंकों को क्रेडिट कार्ड तक को मना कर दिया। अब इस स्थिति में यदि उनका भुगतान समय पर नहीं होगा तो बताओ वो किस तरह से अपना परिवार चलाएंगे, और आज जो है परिवार चलाने में किसान को बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, कुछ बात ये कही जा रही है कि जब से खतौली चुनाव हुआ उसके बाद से गन्ना भुगतान जो है उसकी जो और स्लो कर दिया गया उसका। हाँ जी, अभी जो है भुगतान पहले कुछ समय में कुछ मिलों ने सही किया था, अभी भुगतान नहीं है, और आप निकाय चुनाव में इसका आपको सीधा असर दिखेगा, क्योंकि किसान नाराज है सरकार से, किसान किसी पक्षवादी नहीं है, किसान को तो उसका यदि समय पे भुगतान हो जाए, उसकी समस्या हो जाए तो वो उसका साथ देगा, जब उसका भुगतान नहीं होगा तो वो क्यों सरकार का साथ देगा। अच्छा, अभी हम एक ज्ञापन देगा, हम सभी लोग कमिश्नर साहब के गए, हमारी बात सुनने को हमें गेट पे भी रोक दिया गया, बड़े किसानों को अंदर ही नहीं जाने दिया, कम से कम वो अपनी बात तो रख सके, किसके पास जाएं, किससे बात रखें, जब हमने 4 आदमियों को बड़ी मुश्किल से ज्ञापन के लिए अंदर भेजा गया, बड़ी रिक्वेस्ट करके, बड़े बुजुर्ग 70-70 का, वो बोले कि अधिकारी साहब जो है मिलना नहीं चाहिए, सर्दी ज़्यादा, वो बताओ आप इस सर्दी का क्या मतलब है, आप बताओ सर्दी का क्या मतलब, एक बुजुर्ग आदमी 80 साल का आदमी जो है यहाँ मिलने के हाँ आ सकता है, अपना काम छोड़ के, जिसकी मजदूरी अपनी छोड़ के, जिसका शाम को चूल्हा उस चल रहा है वो आ सकता है कहने के लिए, और ये मिलना तक नहीं चाहते, क्या ऐसा सरकार को करनी चाहिए क्या? सरकार, हमारी तो रिक्वेस्ट है जो है कि कम से कम जो हमारी जो किसानों की समस्या है वो किसानों से सीधा सुना तो जाए, आज सुनने तक को तैयार नहीं है सरकार, तो इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान अलवी है। फुरकान भाई, क्या समस्याएं हैं किसानों की, आज आप कमिश्नर साहब से भी मिले, क्या उनसे बात हुई? समस्या यही है कि ये मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, किसानों की मन की बात सुन नहीं पा रहे, और उसका अभी जो निकाय चुनाव होगा उसमें भी उनको सुननी पड़ेगी किसानों की मन की बात, ये इसमें निकाय चुनाव में इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे किसान, यदि इनकी मांग पूरी नहीं हुई। आज की तारीख में सांड इंसान के ऊपर वार कर रहा है, इनके ये भी नहीं देख रहे, किसान लाइनों में लगा हुआ है, भुगतान नहीं मिल पा रहा है, ये सब चीज़ देख रही है जनता, देख रही है, किसान बहुत भोला है, उसको ये जितना सताएंगे ना उतना ही ये उखाड़ के फेंकेगी। क्या लगता है निकाय चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? इसका 100% इसका चुनाव में, निकाय चुनाव में असर पड़ेगा, बीजेपी को खाजिया में भुगतना पड़ेगा। आपका क्या मानना है निकाय चुनाव में इसका असर पड़ने वाला है गन्ने का भुगतान को लेकर के? देखो जी, सरकार बनाई इसीलिए जाके जनता को राहत मिले, और सरकार अगर अपने मजे में गाड़ी ले के घूमती रहेगी और जनता पीड़ित रहेगी। आज हम देख रहे हैं कि गाँव में जो है किसी का 2000 बिजली का बिल हो जाए तो बिजली वाले कनेक्शन काट रहे आके, लेकिन अब किसान का गन्ने का भुगतान 50,000 रुपये या 1-2 लाख रुपये पड़ा, उसकी जो है कोई सुन नहीं रहा। तो देखने की तो बात यही है कि दो तरह की बात हो रही, किसान का तो बकाया है कोई बात नहीं, और सरकार का बकाया है तो कनेक्शन काट दो, तो इस तरह की ये नीति जो है कामयाब नहीं होने की, इससे लोग नाराज़ हो रहे धीरे धीरे, और चुनाव में हर चुनाव में फर्क पड़ेगा कुछ ना कुछ। आपका क्या मानना है इसमें निकाय चुनाव में इस बात का असर पड़ेगा? देखो जी, जब जनता परेशान होगी तो निश्चित है सरकार पे गुस्सा निकलेगा जनता का, और निकाय चुनाव पे उसका प्रभाव भी पड़ेगा देखने का, यदि सरकार नहीं चाहती। ये सरकार जन आजकल जन कल्याण के लिए सरकार बनती है, जब जन कल्याण करने में असफल हो रहे हैं तो निश्चित है जनता सोचेगी भाई सरकार को बदलो, और जहाँ भी जनता को जिस भी चुनाव में मौका मिलेगा उसी में बदलेंगे, जहाँ से भी मौका मिलेगा। पहले निकाय चुनाव है तो निकाय से, फिर लोकसभा का आएगा तो उसमें प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि किसान का गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया सरकार ने तो जहाँ भी किसान को मौका मिलेगा वहीं सरकार।
को पछाड़ने का काम करेगा। तो ये हैं जो किसान हैं, मेरठ के किसान हैं, और जिनका कहना है कि गन्ना भुगतान को लेकर के जो सरकार दावे कर रही है वो कहीं ना कहीं दावों में और हकीकत में फ़र्क है, और उनका गन्ना भुगतान जो है वो कम हो रहा है, और इनका ये भी कहना है कि जो गन्ना समर्थन मूल्य है वो ज़्यादा होना चाहिए। और फिलहाल जो किसान है इनका ये भी कहना है कि और जो अगर सरकार इधर तवज्जो नहीं देती तो इसका असर आने वाले निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।